हेलो दोस्तों, मोमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने परसेंटेज का कुछ एग्जांपल सॉल्व किया था और उसको समझा था, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहते हैं, कॉस्ट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट और लेस सेलिंग प्रॉफिट लॉस गेंस क्या होता है, इसमें समझेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में तो यहाँ लिखा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, देखिए, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल्स, एक ऐसा अमाउंट जो कि इसका एक आर्टिकल्स है, इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो एक अमाउंट्स है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, जो कि आर्टिकल से एक आर्टिकल या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस सीपीएसपी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल्स सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। तो इसमें लिखा है एक ऐसा अमाउंट मतलब कोई भी आर्टिकल्स जो भी हो, वस्तु हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेल करते हैं, उसको बेचते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट लिखा है प्रॉफिट और गेन। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ, ठीक है, और गेन भी तो क्या होता है, लाभ ही होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट को समझ लेते हैं, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। तो लिखा है इसमें एसपी और पी से क्या हो, मतलब एसपी क्या हो, पी से ग्रेटर देन हो, मतलब अधिक हो, पी सी एसपी अधिक हो पी सी सीपी से, ठीक है। तो देन देयर इज अ गेन, तो ये क्या होगा, गेन होगा। अगर हम कोई भी प्राइस खरीदेंगे, अगर हम क्या कहते हैं ना, लिख देते हैं यहाँ पर, अगर हम 500 रुपये खरीदें, ठीक है, अब हम उसको 600 रुपये में बेच दिए तो क्या होगा, गेन ही होगा ना, प्रॉफिट होगा कितने रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का क्या होगा, गेन होगा। तो यही बोला है यहाँ पर, अगर हम इतना कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 500 रुपये खरीदा है और सीपी मतलब होता है बेचना, और 600 रुपये का बेच दिया है, तो कितने रुपये का गेन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपीज़ का क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है गेन इज इक्वल टू या प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट या गेन लिखते हैं, तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लॉस मतलब लॉस क्या होता है, व्हेन एसपी इज लेस देन सीपी, ठीक है। जब क्या कहते हैं इसमें, एसपी लेस देन हो किससे, सीपी से, तब उसका क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस का फार्मूला है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो यह लिखा है यहाँ पर, अगर हम 500 रुपये का कुछ आर्टिकल्स खरीदें, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट खरीदे, कॉस्ट प्राइस खरीदे, और उसको हम क्या करते हैं, 400 रुपीज़ का क्या करते हैं, सेलिंग कर दें, मतलब बेच दें, तो कितने रुपीज़ का लॉस होगा, तो 100 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। इसी रुपये क्या कहते हैं इसको, यह फार्मूला होता है लॉस का, ठीक है। देखिए आगे फार्मूला कहते हैं, फार्मूला मैंने कलेक्ट किया है तो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो गेन का फार्मूला होता है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। जब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो यही फार्मूला लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर लॉस का फार्मूला लिखा है, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो ये क्या होता है, लॉस का फार्मूला है। और गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन में सीपी इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा देंगे, ठीक है। जब गेन गेन का गेन पूछेगा, गेन परसेंटेज या फिर पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, तो ये इसका फार्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100 ब्रैकेट में क्या होता है, 100% के साइन लगाते हैं। तो सेम क्या कहते हैं, लॉस का ही गेन की तरह ही है या प्रॉफिट की तरह ही है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बस क्या गेन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो सेम सीपी इनटू 100 और परसेंट के साइन लगाया है, ठीक है। जब लॉस होगा तभी लगेगा ये फार्मूला। नेक्स्ट सेम लिखा है यहाँ पर टू फाइंड एसपी, हम क्या कहते हैं, जब फाइंड करेंगे एसपी व्हेन सीपी एंड गेन और लॉस आर गिवेन, जब हम ये क्या कहते हैं एसपी फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे
और उसे क्या कहते हैं, जब एस पी सी पी और लॉस या फिर गेन या फिर लॉस दिया गया होगा तो हम लोग क्या कहते हैं एस पी क्या कहते हैं फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला लिखा है यहाँ पर, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सी पी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, तो एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू सी पी। सेम देखेंगे फार्मूला, लॉस के स्थान गेन के प्लेस पर लॉस लिखा है, ठीक है, लॉस परसेंट लिखा है, ठीक है, तो सेम फार्मूला है। और यहाँ पर नेक्स्ट इसे लिखा है यहाँ पर टू फाइंड सी पी। जब हमको कहते हैं फाइंड सी पी फाइंड करना हो तो इसका जब दिया रहेगा क्या, कब दिया रहेगा, एस पी एंड गेन और लॉस, एस पी गेन और लॉस दिया रहेगा तो हमको क्या कहते हैं सी पी फाइंड करना हो। तो इसका फार्मूला यह लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट, तो सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, जब क्या कहते हैं एस पी गेन और लॉस दिया हो गया हो तो एस सी पी फाइंड करना हो, तो इसका फार्मूला ये है। तो गेन क्या क्या होता है, सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉस का देख लेते हैं यहाँ पर, तो लॉस का लिखा है यहाँ पर सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर वन है, मोहित बाट ए सी डी। तो मोहित क्या करता है, एक सी डी खरीदता है, ठीक है, फॉर रुपीज 750 रुपीज का। ठीक है, 750 रुपीज का एक सी डी खरीदता है रोहित, एंड सोल्ड इट्स फॉर 875 रुपीज का, कहता है उसको सोल्ड करता है, मतलब बेच देता है। ठीक है, तो फाइंड हिज गेन परसेंट। तो जैसे मैंने बताया था, जब उसको लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मैंने इसको समझा रहा था, ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब अगर हमने 750 रुपीज़ का क्या कहते हैं ख़रीदा है और उसको हमने 800 रुपए का बेच दिया तो गेन हो जाएगा ना, तो कितने रुपए गेन होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, तो 550 रुपीज़ का क्या होता है, प्रॉफिट होगा ना। तो यही भी लिखा है यहाँ पर, अगर हम 750 रुपीज़ का कहते हैं ख़रीदता है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं 875 रुपीज़ का क्या कहते हैं बेच देता है, तो उसको कितने रुपये का पहले हम क्या उसको कितने रुपीज़ का गेन हो गया, मतलब लॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कहते हैं गेन या प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं गेन परसेंट का फाइन, गेन परसेंट फाइन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन, ठीक है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर सोल्ड, क्या लिखा है, बाट खरीदा है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको हम सी पी से भी डिनोट करते हैं ना, तो डायरेक्ट हम सी पी लिख देते हैं, तो कितना है 750 रुपीस का खरीदा है। ठीक है, और सोल्ड प्राइस कितना है 875 रुपीस, तो एस पी कितना है 875 रुपीस क्या है एसपी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट क्या होता है फार्मूला, या फिर गेन का, ठीक है, प्रॉफिट या गेन, ठीक है, और गेन, तो फार्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, यही फार्मूला होता है प्रॉफिट या गेन का। ठीक है, तो एसपी कितना दिया है 875 रुपीस, ठीक है, और सीपी कितना दिया है 700 माइनस 750 रुपीस। अब इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएं कितना आएगा, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, तो मतलब गेन कितना रुपीस का हुआ 125 रुपीस का क्या होगा गेन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गेन लिखते हैं, यहाँ पर गेन हमें 125 रुपीस का गेन हुआ। अब इसमें पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं गेन परसेंटेज। ठीक है, तो गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, तो गेन
अपॉन में सी पी इन टू हंड्रेड ब्रैकेट बंद कहते हैं इसको, परसेंट साइन लगा देते हैं ठीक है। तो यही फार्मूला होता है। तो गेन किन रुपीज़ का हुआ है 125 रुपीज़ का, तो इक्वल गेन कितना हुआ 125 रुपीज़ का, तो 125 रुपीज़ का गेन हुआ है। अपॉन में सी पी कॉस्ट प्राइस कितना था, कितने रुपीज़ का खरीदा था ये 750 रुपीज़ का खरीदा था ठीक है। तो 750 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था ठीक है, इंटू 100 ब्रैकेट बंद ठीक है, परसेंट के साइन लगाते हैं। अब इसको क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ठीक है, इसको फाइव से काटेंगे तो फाइव वन जा फाइव ठीक है, फाइव जा 25, आइए टू बार में कट जाएगा ठीक है, तो फाइव टू जा 10। अब फिफ से फाइव काटें तो ये फाइव थ्री जा 15 हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा फाइव टू जा 10 ठीक है, फाइव जा 25 कितना आया 25 इंटू टू 25 इंटू टू अपॉन में 3 ठीक है। अब इसको कहते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू टू कितना आएगा 50 आएगा अपॉन में 3 ठीक है। यहाँ परसेंट साइन लगा देते हैं यहाँ पर ठीक है। अब इसको कहते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यहाँ पर कर लेते हैं 3 का 50 में डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने में कितना आएगा तो ये वन बार में आएगा 3 ठीक है, 3 आया यहाँ पर 2 कैरी बचेगा ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ लिख देते हैं 20, तो ये 6 बार में आएगा 18 ठीक है, फिर बचेगा 2 ठीक है, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो पॉइंट यहाँ लगा दें तो फिर 6 आएगा, मतलब ऐसे ही क्रॉस कैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ आया कितना 16.67%। जब यहाँ पर मल्टीपल क्या कहते हैं ना, कोई बार नंबर रिपीट होता है तो एक नंबर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ठीक है। तो 16.67% ये आपके क्या हो जाएगा गेन को फार्म गेन पाइप फाइंड हो जाएगा, गेन परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या कहता है इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पर राहुल परचेज्ड अ टेबल, राहुल एक परचेज करता है टेबल को ठीक है, फॉर रुपीज 1260 रुपीज का एक राहुल क्या कहते हैं परचेज करता है टेबल को, एंड ड्यू टू सम स्क्रेच्ड ऑन इट्स टॉप, तो जो परचेज किया था टेबल पर तो उसके टॉप पर क्या कहते हैं कुछ स्क्रेच होता है मतलब क्रूज जाता है ठीक है। लिखा है यहाँ पर ही हैड टू सेल इट्स फॉर 1197 रुपीज का कितना है उसको बेच देता है ठीक है। फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो इसका लॉस परसेंट क्या फाइंड करना है। तो एक फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है राहुल एक टेबल खरीदता है ठीक है, कितने रुपीज का 1260 रुपीज का एक टेबल खरीदता है राहुल ठीक है, परचेस करता है, किसी कारणवश उस टेबल के टॉप पर ठीक है ऊपरी सतह पर स्क्रेच पड़ जाता है मतलब खुरूच पड़ जाता है ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर ही हैड टू सेल इट्स, तो उसको बेच देता है कितने रुपीज़ का 1197 रुपीज़ का उसको बेच देता है, तो उसको कितने रुपीज़ का उसको फाइंड करना है पर लॉस परसेंटेज ठीक है। तो पहले हम लोग कहते हैं इसको लॉस निकाल लेते हैं, तो इसको लॉस निकालने से पहले एक सोल्यूशन सोल्यूशन तो लिखा है यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस 1260 रुपीस ठीक है, रुपीस 1260 रुपीस का एक उसका सेलिंग प्राइस हुआ कॉस्ट प्राइस हुआ है ठीक है। और उसको सेल करता है कितना, सेल करता है 1197 रुपीस का, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1197 रुपीस का इसका सेलिंग प्राइस है, तो इसको लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो इसको लॉस का फार्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो सी पी कितना दिया है 1200
260 रुपीस, ठीक है, माइनस एसपी कितना दिया है 1197, ठीक है। अब इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ पर, तो 10 इसको कैरी देगा, तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके पास कितना 5 बचेगा, तो इसको कैरी दे देगा, तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। ये 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कितना रुपीस का लॉस हुआ है 63 रुपीस का क्या हुआ लॉस हुआ है। तो इसमें पूछा है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100, ठीक है, ब्रैकेट बंद, परसेंट का साइन लगा देते हैं ना, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें लॉस कितना दिया है, लॉस कितना फाइंड हुआ है 63 लॉस हुआ है, और सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 1260 रुपीस का क्या है कॉस्ट प्राइस है इनटू 100, ठीक है, 100 हुआ है। अब इसे जो कटे काट देना है, तो ये देखो कट रहा है यहाँ पर, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी साइड कट रहा है, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, तो 63 1 जा 63 और 62 63 2 जा 126, ठीक है, कितना आया, तो ये भी कट जाएगा 2 से, ये 10, ठीक है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है, तो कितना आया 5, तो ये 5% आपका क्या होगा लॉस हुआ, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।